भदोही जनपद स्थापना वर्ष 30 जून के मौके पर पूर्व सांसद और भाजपा राष्ट्रीय परिषद के सदस्य गोरखनाथ पांडे ने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना से मुलाकात की है। जी हां, हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, पूर्व सांसद के साथ उनके पुत्र विष्णु पांडे भी मौजूद थे। पूर्व सांसद ने सम्मान किया है विधानसभा अध्यक्ष का, तो ये बड़ी खबर है। सीधे तौर से लखनऊ से पूर्व सांसद गोरखनाथ पांडे ने सम्मानित किया है खादी ग्राम उद्योग एवं लघु उद्योग मंत्री राकेश सचान को भी। देखिए लाइव तस्वीरें विधानसभा परिसर की है, जहां विधानसभा अध्यक्ष के साथ साथ संसदीय कार्य मंत्री सतीश महाना और सुरेश खन्ना से मिले हैं पूर्व सांसद गोरखनाथ पांडे। तो ये बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, विधानसभा से ये बड़ी खबर है। एक बार फिर लाइव तस्वीरों में देखिए, पूर्व सांसद भाजपा राष्ट्रीय परिषद के सदस्य गोरखनाथ पांडे ने मुलाकात की है, साथ ही भदोही जनपद से संबंधित मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल और परिवहन डिपो समेत सीतामढ़ी और सम्राटनाथ को पर्यटन स्थल बनाने की मांग की है। तो बड़ी खबर है, साथ ही धन तुलसी डेंगूपुर गंगा घाट पर भी पक्का पुल निर्माण का मामला उठा है, मांग उठी है सीतामढ़ी सम्राटनाथ को पर्यटन स्थल और धनतुलसी डेंगूपुर गंगा घाट पर पक्का पुल के निर्माण की मांग। तो बड़ी खबर जनपद स्थापना दिवस के मौके पे लेके साथ साथ ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र की इन समस्याओं को उठाया है। पूर्व सांसद गोरखनाथ पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पांडे जी, क्या कुछ समस्याएं रखी हैं आपने मंत्रियों के सामने? भदोही जनपद का स्थापना दिवस है, इसके उपलक्ष्य में बहुत सारी योजनाएं जो जनपद को मिलनी चाहिए थी वो अभी तक पूर्ण नहीं हो पाई है। हम हर वर्ष स्थापना दिवस तो मनाते हैं, लेकिन जो जनपद की समस्याएं हैं, जो मांगे हैं, जो जरूरतें हैं, वह यथावत अभी बनी हुई है, वो पूर्णता की ओर नहीं गई। उसी परिप्रेक्ष्य में आज ही के दिन यानी 30 जून को हम कुछ समस्याओं को लेकर के स्थापना दिवस के ही दिन लखनऊ आए और यहाँ सबसे पहले हम विधानसभा अध्यक्ष माननीय सतीश महाना जी से मिले, उनसे अपने जनपद की कुछ प्रमुख समस्याओं से अवगत कराया। उसके बाद माननीय मंत्री जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, वित्त मंत्री सतीश महाना जी, उनसे मिले और उनसे मिलकर भदोही जनपद की मूलभूत जरूरतें जो अस्पताल के रूप में, जिला अस्पताल के रूप में, जहां बहुत सारी कमियां बहुत दिनों से हैं और मांग भी चल रही है, कुछ मांगे पूरी भी हुई हैं, जैसे डॉक्टर्स की कमी थी, कुछ डॉक्टर्स की नियुक्ति हुई है, कुछ विभागों में डॉक्टर नहीं हुआ करते थे, कुछ इंस्ट्रूमेंट नहीं हुआ करते थे, कुछ जरूरियात जो स्ट्रक्चर वो नहीं हुआ करते थे, कुछ पूरा हुआ है लेकिन अभी वो पूर्णता की ओर नहीं है। उसके साथ ही साथ बहुत सारी मांगे भदोही जनपद की, हम लोग जब भदोही जनपद में जिले का विकास शुरू होना हुआ तो उस आंदोलन में हम एज ए विधायक हम लोगों ने उसका आंदोलन किया और भदोही जनपद को मुख्यालय बनाने के लिए ज्ञानपुर में लड़ाई भी लड़ी, लेकिन अभी विकास अधूरे हैं। ज्ञानपुर से अरसे से मांग हो रही है, वहां का एकमात्र डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज जो यूनिवर्सिटी के लिए सारी अर्हताएं पूरी करती है, लेकिन आज तक नहीं हो पाया है, उस पर भी हम लोगों ने चर्चा की। और साथ ही साथ जो बहुत दिन से डेंगूरपुर धनतुलसी घाट पीपापुर, वो हमारे विधायकी काल में हमने मेहनत करके, परिश्रम करके, मिल करके मुख्यमंत्री के माननीय राजनाथ सिंह जी हुआ करते थे, उनसे आग्रह करके पीपे का पुल तो ऐतिहासिक बना, लेकिन आज तक उस पर पुल नहीं, पक्का पुल नहीं बन सका। जनता की डिमांड है और हम लोगों की भी डिमांड है, उसको लिखित रूप से इन सारी समस्याओं को जो हम कह रहे हैं लिखित रूप से महाना जी को हमने दिया। और उसके साथ ही साथ कोयरौना को तहसील बनाने की मांग बहुत दिनों से चल रही है, उस पर भी हमने वो अपने लिखित पत्र में दिया। साथ ही साथ मेडिकल कॉलेज जो आज से नहीं वर्षों से मांग हो रही है, जिस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में कहा था कि जमीन मुहैया होगी तो मेडिकल कॉलेज निश्चित रूप से बनेगा। तो यह बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो मूलभूत जरूरतें हैं,
चाहे वो मुख्यालय का है, जिला अस्पताल का हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज को इंडस्ट्री बनाने का हो, चाहे डेंगूपुर धनतुलसी घाट पर पक्का पुल बनाने का हो, चाहे कोरोना में तहसील बनाने का हो, या अन्य ऐसी बहुत छोटी बड़ी समस्याएं जो हम लोग मांग करते आ रहे हैं, उसको हमने लिखित रूप से माननीय वित्त मंत्री और जो लखनऊ के प्रभारी मंत्री हैं और जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, जो वरिष्ठतम मंत्री हैं आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में सतीश महाना जी, उनको हमने दिया और वो कागज को लेकर उस पर टिप्पणी भी की, हमें आश्वासन भी दिया कि हम संबंधित विभागों से बात करके इस पर कार्रवाई करने के लिए कहेंगे। और आज का दिन चूंकि स्थापना दिवस का दिन है, इसलिए हम लखनऊ आकर के अब जो क्षेत्र की समस्याओं से अवगत हुए, पहले से अवगत रहे हैं, और दो तीन मंत्री और कई अन्य राज्य मंत्रियों से मुलाकात हुई, जिसमें हमारे वो कानपुर देहात से जो मिनिस्टर हैं, जो लघु और ये सूक्ष्म मंत्री के रूप में काम करते हैं, और राकेश सचान जी, उनसे भी मुलाकात किए और अपने जिले की मूलभूत जो कालीन उद्योग है उसको, उसके बारे में भी हमने उनसे बात की और कहा इसको विकसित करने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए आप अपने विभाग से क्या कुछ कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ जो हमारे प्रदेश के हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं, जो अन्यान्य कई विभागों में मंत्री रह चुके हैं, उनसे भी हमने बैठ करके विस्तार पूर्वक बात की, क्योंकि इन सारे लोगों से हमारी टेलीफोनिक वार्ता पहले हुई थी, बधाइयां हमने पहले दे रखी थी, लेकिन आज पहली मुलाकात में उनको हमने अंगवस्त्रम दिया, पुष्प गुच्छ दिया, सारे लोग, क्योंकि हमारे साथ कोई सांसद रहा है, कोई विधायक रहा है, जब मैं विधायक रहा तो कोई मिनिस्टर रहा है, और भी कई ऐसे राज्य मंत्रियों से मुलाकात हुई, और आज स्थापना दिवस के दिन हमने भदोही की मूलभूत जरूरतें, मूलभूत आवश्यकताओं के बारे में लिखित दिया, ज्ञापन दिया, और मुझे मंत्रियों के द्वारा आश्वासन मिला, यह हमारे भदोही के लिए बहुत ही संतोष और गौरव का विषय है।